फैंस का पसंदीदा आइकॉनिक क्राइम ड्रामा सीरीज सीआईडी छोटे पर्दे पर लौट रहा है। हर कोई ये खबर सुनकर काफी एक्साइटेड है। दरअसल हुआ यूं कि सीआईडी का सोनी टीवी ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पेज पर एक प्रोमो रिलीज हुआ, जिसे देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि ये सीआईडी का प्रोमो है। प्रोमो में शिवाजी सतम उर्फ एसपी एसीपी प्रद्युमन की झलक दिखाई दे रही है। वह हाथ में छाता लिए बारिश में गाड़ी से बाहर आते दिखे। अपने सामने कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर के बाद उनके चेहरे की हवाइयां ही उड़ जाती हैं। व्यूअर्स के बीच ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि ये टीवी पर प्रसारित होने वाला सबसे लंबा क्राइम ड्रामा शो रह चुका है। सोनी टीवी वालों ने जो प्रोमो शेयर किया उसके कैप्शन में लिखा, कैलेंडर्स अपने मार्क कर लीजिए क्योंकि 26 अक्टूबर को होगा एक धमाकेदार प्रोमो ड्रॉप। बता दें कि सीआईडी साल 2018 तक टीवी पर चला। शिवाजी सतम उर्फ एसीपी प्रद्युमन, आदित्य श्रीवास्तव उर्फ इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स और नरेंद्र गुप्ता उर्फ डॉक्टर सालू के इसमें लीड रोल में नजर आए। साल 1998 से ये टीवी पर आ रहा था। 20 साल ये फैंस के बीच काफी पॉपुलर रहा। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीआईडी की शूटिंग नवंबर के महीने से मुंबई में शुरू होगी। मेकर्स के पास ऑडियंस की लगातार इस शो के लिए डिमांड आ रही थी। लंबे ब्रेक के बाद एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। दयानंद शेट्टी भी इसमें नजर आने वाले हैं। बाकी की कास्ट भी वही रहने वाली है। 6 साल बाद शो की वापसी हो रही है। कहा जा रहा है कि दिसंबर में क्रिसमस के मौके पर ये टीवी पर आना शुरू हो जाएगा और फैंस ये खबर सुनने के बाद काफी एक्साइटेड हैं। भला आप कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें।